फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2x। फाइंड करना है x माइनस ए का होल क्यूब, x माइनस सी का होल क्यूब प्लस 3 × x माइनस ए x माइनस सी इंटू बी। हो ये क्या हो रहा है, ए क्यू बी क्यू 3ab, ये कोई c अलग आ रहा है लेकिन c का क्यू तो है नहीं। तो हमने क्या देखा कि a यहां माइनस में है, b यहां माइनस में, c यहां माइनस में है, तो इसका मतलब b का क्यू माइनस में ही होना चाहिए, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो तभी बनेगा जैसे a x 2x हो गया, a सी प्लस में है माइनस कॉमन लेने पर, तो इसका मतलब बी भी प्लस में चाहिए, तभी तो इसके बदले हम 2x लिखेंगे, तो 2x माइनस 2x जीरो होगा। इसका मतलब हमें बी माइनस में ही चाहिए, तो हम समझ गए कि हमको माइनस बी का क्यू लिखना पड़ेगा और प्लस बी का क्यू लिखना पड़ेगा, तभी ये होल क्यू मतलब ए क्यू बी क्यू बनेगा, फार्मूला है ना। तो x माइनस ए का होल क्यू, x माइनस सी का होल क्यू, और इसको हम यहां लिख देते हैं प्लस माइनस बी का होल क्यू, बन गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 x माइनस ए x माइनस सी माइनस बी। ओ ये माइनस बी कहां से आ गया, तो यहां बी पहले से था, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, लास्ट में क्या बच गया प्लस बी क्यू। अब इन तीनों का सम जीरो है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC जीरो, तो आंसर क्या बच गया बी का क्यू, आंसर बी का क्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 है ना, यहां से एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 बराबर 0, या 1 नहीं भी लिखे तो इतना इक्वल टू 0। ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0, तो ए क्यू माइनस बी क्यू 0 होता है, मतलब एक्स का क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक मालूम, यहां पर दिया है उधर से, ठीक है ना, 1 माइनस 16 / 48 49, 16 / 48 और 2 = 50, 1 प्लस 16 / 48 49 और माइनस 16 / 48 और 2 = 50, दिखाई कम दे रहा क्या, आ रहा है ठीक है। इसका मतलब 1 माइनस एक्स का क्यू क्या होता है 1, एक्स का क्यू क्या हो गया 1, और यहां बच गया 1 प्लस एक्स और ये माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, और x का क्यूब क्या है 1, तो आंसर 4, 4 आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, रूट अंडर एक्स माइनस ए अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस बी, इस रूट को इधर ले आइए, एक्स माइनस बी अपॉन रूट अंडर एक्स माइनस ए, और बिना रूट वाले को एक तरफ कर लीजिए, रूट वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस ए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर में ए दोनों गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी बराबर,
यहाँ एलसीएम लेंगे तो बी माइनस ए, एक्स एस कट गया बी माइनस ए और ये भी बी माइनस ए, ये भी कट गया तो ये बच गया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर माइनस यहां से कॉमन ले लो एक्स, तो ए प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये भी कट जाएगा। इनको उधर ले जाओ, एक्स इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी ए इंटू बी, तो एक्स बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो गया एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर इतना, ठीक है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर, चार, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान क्या होगा? तो मैंने कहा था इसको ऐसे हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या करते हैं एक्स, फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो इन दोनों से बच जाता है ए स्क्वायर, इन दोनों से बचता है बी स्क्वायर, इधर बचता है सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इधर ले आओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, 152 साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 एंड सो ऑन, कहां तक गया ये एंड सो ऑन, मिटा दो इधर एंड सो ऑन, 17 है, 17 1/2 और 18 1/2, क्लियर। तो सब में से 152 1/2 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 17, 18, ठीक। काटिए कितना हो गया 76, ये हो गया नेचुरल नंबर का सम 18 तक, 18 एन इंटू एन प्लस 1/2, देखो ये है 19 चौक 76, ये है 3 का स्क्वायर, ये 19, ये सब मिला के 19, 2 और 3 का होल स्क्वायर है, 14 से 114 का स्क्वायर, यही ना। तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है इंटीजर्स का, तो आंसर क्या होगा सी, इसमें नहीं लगाया था क्या आंसर, आंसर सी लगवा दिए, ठीक है आंसर सी होगा, ठीक है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बस ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहां देखिए sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 2 tan थीटा इधर ले आओ, उधर बच गया 2, ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, चाहे इसको आगे लिखो या इसको बाद बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता, tan थीटा माइनस 1 रूट लगा दो रूट 2, तो tan थीटा इक्वल टू रूट प्लस 1, यही आंसर है। एक्यूट है तो माइनस में जाएगा नहीं, प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ऐसे रूट प्लस माइनस में निकलता है लेकिन नहीं लेंगे, क्यों, एक्यूट एंगल लिखा हुआ है इसमें, देखो है ना, तो 90 से 180 के अंदर ही रहेगा, ये बाहर जा ही नहीं सकता निगेटिव में। नब्बे से छोटा होगा लेकिन 180 तो प्लस रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, यहां देखें 945 गाय है, 2474 सीप है, तो कितने झुंड में बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कितने झुंड बनेंगे, तो इनका एचसीएफ डायरेक्ट लगा दो 45 से, लगा दो 45 से लगाओ, कितने बार में 21, 45 से लगाओ 55, तो एक
एक झुंड में कितने सीप रखेंगे? 45 सीप, और टोटल कितने झुंड बनेंगे? 76। यही नारा है, 76 टोटल बनेंगे। हर में सीप की संख्या 45 45 होगा, सभी ग्रुप में इसका क्या कहता है, इसमें काउ और सीप है ना, 45 45 रहेंगे सभी ग्रुप में। और कुल कितने ग्रुप बनेंगे इसके? तो सबको इससे, इसके बनेंगे 21 ग्रुप, इसके बनेंगे 55 ग्रुप, टोटल 76 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें 45 से भाग दे दो, एक ग्रुप में 45 रहेंगे और 945 है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 21 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप को जोड़ दिया हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि एक पैसेंजर जो है ट्रेन में बैठा है, ट्रेन की लंबाई 1 मीटर है, ये ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आर के स्पीड से। क्वेश्चन ये है कि ये व्यक्ति ने पार किया, पूरे ट्रेन ने नहीं पार किया, व्यक्ति ने क्रॉस किया एक ब्रिज को, तो जो ब्रिज का लेंथ होगा वही डिस्टेंस, और ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है, वेरी गुड। जो ब्रिज का लेंथ है, दो पुल है, ब्रिज 1 2, तो 7 4, मतलब 7x और 4x मान लिया, तो ये है डिस्टेंस दे रखा है, इसका समय दिया ना, ये 7x और 4x का समय है, ठीक। तो पहले वाली की लंबाई 280 है, ये है लंबाई, ठीक है, मतलब दूरी हो गया, दूरी बराबर चाल, जो ट्रेन का चाल है वही इस व्यक्ति का चाल है, जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति, और कितने देर में पार किया? 7x में, 0 काट दो, 7 6 28, ठीक है ना, 6 3 18, 12/5, 12/5, ठीक है ना, यहां पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है ना। अब कहा दूसरे पुल की लंबाई क्या होंगे, सेकेंड वाले का, ठीक, तो चाल तो वही रहेगा, 60 5/18, है ना, सही है ना, और समय कितना रहेगा, यहां पुट कर दो 4 × 12/5, मतलब 48/5 लिख दीजिए, ठीक, ये 5 से 5 काट दीजिए, ठीक है ना, काट दीजिए इसको, 6 जैसे जाओ से काट दीजिए, 6 3 6 10, और ये काटिए इसको, 160 मीटर, दूसरे की लंबाई 160 मीटर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, चले आगे। इसको और जल्दी पता कैसे बनाएंगे, ऐसे 7 सेकंड में ये चलती है 280 किलोमीटर, तो 4 सेकंड में कितना चलेगी, डायरेक्ट 160 मीटर इतने चलेगी, 7 में इतना चलती है तो इतना में कितना चलेगी, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि कई तरीके से, मैंने इसमें बताया था आपको, आपको याद होगा, ठीक है ना, डिटेल वाला नहीं, एक मैंने ऐसे कहा था स्पीड बढ़ा दिया नीचे 10 और 1 घंटे, मतलब 60 मिनट, ठीक है, यहां से स्पीड निकाल लेते हैं, चुप रहो, x 20 बढ़ा दिया, 20 फर्दर मतलब और अधिक बढ़ा दिया, फर्दर है ना, और अधिक, ठीक है ना, और 45 और, तो 45 और कम लिया तो 100 105, ये सारे कट जाते हैं, 0 से 0 कटते हैं, 15 चौके 15 सत्ते, 4x+40 बराबर 7x+, ओ 2 से गुना नहीं हुआ, कर दो 4 × 2 = 8 = 4 = 80 ना, 80, और यहाँ 7x+100, तो x बराबर, ये इसका स्पीड निकल गया, और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पुट कर दो 60 × 10 = 70, 10 और 1 घंटा, तो 7 × 6 = 42, 420 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मन करे वैसे बना दूं, अब
चुप रहिए। कई तरीका, पांच पांच तरीके सिखाए, जैसे मन करे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10, 15 पर एक फ्री, मतलब मार्क प्राइस 16 रुपया है, तो आपको बेचा कितना में? 15 में बेचा। एक और दिया डिस्काउंट 4% का, तो 96% में बेचा। ये हमारा क्या निकला? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस। बस यही निकल, निकालो 16 6 96, 100 से 15 9 2 3 3 3 और 2, कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितना कॉस्ट प्राइस से, तो कितना परसेंट अधिक है? 50% मोर, 50% अधिक है। समझ में आया? बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ए एक दिन में एक्स काम करता है, ये वाई काम, तो 5 दिन में पूरा काम। इसके इफिशियंसी को डबल कर दिया तो डबल काम करेगा, इसके इफिशियंसी को 1/3 तो 1/3 काम करेगा, तो पूरा काम 3 दिन में करेगा। 5 3 2 6 एक्स और वाई, माइनस करो एक्स बराबर 4 वाई, तो एक्स वाई का रेशियो क्या हो गया? 4:1। ये 4 काम कर दो, ये एक दिन में 5, और 5 दिन में तो ए अकेले 25/4, 6 सही 1/4 दिन में करेगा। समझ में आया? चुप रहो, टेस्ट में एक ही तरीका, 10 नहीं, क्लास थोड़ी हो रहा है। देखो हाँ, इफिशियंसी का कितना कितना काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, 16 महिला 12 दिन में करती है, जबकि 12 पुरुष 8 दिन में। महिला इधर से 8 2 16, मेल फीमेल का रेशियो 2:1। कहा कि 12 पुरुष 8 दिन काम किया, 16 है सॉरी ऊपर देखा, 16 पुरुष 3 दिन काम किया ही ना, 10 छोड़ दिया, तो कितने बचे? 6 पुरुष। महिलाएं आ गई 4 महिला, कितने दिन करेंगी? वही पूछा है ना, ऊपर से किसी के ले आओ, 16 फीमेल गुने 12, तो 16 दुनी, चलो हटाओ 3 दुनी 6, और 6 दुनी 12 4, और 16 गुने 12, 16 16 काट दो 6, डी बराबर कितना हो गया? 6 दिन, 12 में से 6 कितना बचेगा? 6, इसका मतलब 6 दिन होगा, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आया? पूरा आ गया ना? भगवान आपका भला करे। आगे देखो, 13, एक नल टंकी को 15 में और 30 मिनट में भर सकता है, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। एक व्यक्ति दोनों नल को खोल दिया और गलती से तीसरा भी खुला रह गया, मोटर चालू कर दिया, वो पानी बहाते रहा, ठीक है ना, और वो उसी समय वापस आएगा जब टंकी को भर जाना चाहिए, तो भरेगा कितने देर में? 1 घंटे में 3, तो 10 घंटे 10 मिनट जो भी है 10 मिनट में आएगा, और आते ही फिर सी को बंद कर दिया, तो कौन बचा? ए और बी, और अगले 5 मिनट टंकी फुल हो गया, तो 5 मिनट में 1 मिनट में 3, तो 5 मिनट में 15 लीटर पानी एक्स्ट्रा भरा, और वो निकाला कौन? लीकेज, तो पूरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा? तो पूरी टंकी को खाली करने 20 मिनट लेगा, लीकेज अकेले 20 मिनट में लेगा। समझ में आया? ओके, फटाफट क्वेश्चन नंबर 14। कहा एक व्यक्ति अपने 2 पुत्र के लिए 22360 इतना रुपया 14 साल और 17 साल, तो 14 साल जमा करेगा, 17 3 साल में हो जाएगा, 14 साल प्रिंसिपल मान लो, तो 17 साल अमाउंट, तो 16 सही 2/3, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1/6 प्रिंसिपल 6 होगा तो अमाउंट, ये 3 साल, ये 3 साल, 14 साल का पैसा 3 साल में 17 साल हो जाएगा, तो 3 साल का डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 216 343, ये रेशियो हो गया 3 साल ना, 14 3 3 का ही तो अंतर होगा, 14 साल में जो पैसा बन के आएगा वही पैसा 3 साल में 17 साल का हो जाएगा,
तो छः से कर दिया ना सीधे सात। या तुम ऐसे लगाओ ना फार्मूला, याद है फार्मूला सिखाया था, 6/7/6 का पावर कितना होगा, कितने साल तक जमा होगा, इसका 16 साल तक ना, और इसका 13 साल है, इसका उल्टा लिख दिया। अच्छा 30 साल तक है ना, तो 7/6 और ये कितना 13, तो 3 कट गया यहाँ पर, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चलेगा, 6 का क्यू और ये 7 का क्यू होगा, तो 6 का क्यू 7 का क्यू आ गया, ठीक है ना। आगे चलू, ओके किसका निकालना है, 216/7 जोड़ना जरा, 559, टोटल पैसा 22360, कट रहा है क्या 40 से, तो कितना हो गया 864, जो दूसरा कितना बच गया 13720, ये बच गया दूसरे वाले का, समझ में आया। 14 3 17, 3 साल का अंतर, डायरेक्ट ही 3 पावर कर दिया, ठीक है ना। 15 नंबर, 56 रुपया है, 50 पैसा वाला को बी मान लिया, 25 पैसे वाले का दुगना है, और ए मान लिया 1 रुपया वाले का 4 गुना है, तो ए बी सी मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रेशियो क्या है, ये के मानेंगे तो 1/1/1 और 1/2, तो 4 से गुना कर दो, 1 4, यह 1 रुपया वाला, यह 1 रुपया, यह 50 पैसा और यह है, तो 1 रुपया में 1 से गुना करेंगे, 50 पैसा में से 1/2 से 25 पैसा, तो 1/4, तो 1 रुपया 2 रुपया और ये 50 पैसा कितना, 1.5, 1 रुपया 2 रुपया और 0.5, 3.5 रुपया बराबर कितना दिया है, 56 दिया है क्या, तो एक हम किसका निकालना है, 50 वाला कौन है, 4, दैट निकाल दूं, 4 बराबर कितना, 56/ 3.5 × 4, बिंदी हटाओ 0 लाओ, 5 × 2 = 10, 7 8 56, 8 8 64 ना 64, कितने सिक्के हैं 64 सिक्के, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, लड़का लड़की 5:3 के रेशियो में, जो नया आया वो 5 और 7 के रेशियो में, और 1200 आया जो 7 और 5 था, 700 लड़का और 500, 7 × 5 = 4900, 5 + 3 = 2500, कितने का अंतर, 20 = 2400, तो हम पूरा निकालना है, बच्चे कितने थे 8 = 2400/20 × 8, काट दूं 12 8 96, 960, टोटल आ गया 960, कोई दिक्कत तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 17, डबल प्राइस है, 2:1, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या x, दिखाई दे रहा है, ये काले वाले ये ब्राउन, इसके डबल है प्राइस, यदि सही बिल बनाएगा तो 8 रुपया और 1 रुपया होगा, गलत बिल बना दिया तो 4 + 2x हो गया, तो नया बिल पहले वाले से 50% मोर, 3/2 गुना करो, 8 + 4x, 8 + 24 + 3x, x बराबर 16, तो काला वाला 16, ये 4, 4:1 का रेशियो, क्लियर। अरे काला, तो ब्लैक वाला कौन था, ब्लैक दिया है, ओ तो ठीक है, तो ब्लैक कितना है और ब्राउन कितना है, तो रेशियो कितना 1:2, तो फिर यही लिखना, ठीक है ना, काला और ब्राउन कहा था ना, जो पूछे बता दो, ठीक है, तो रेशियो क्या 1:4 का, वेरी गुड, मिटा दू ना। क्वेश्चन नंबर 18,
थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। मालूम थीटा दिया है 72 डिग्री, मतलब इसको चल कर रेडियन में 18 दिखाई दे रहा है। अरे ठीक है उधर बोलो, इसको हम 22/7 गुने 180, हम 72 डिग्री को पाई बाई 180 से गुना कर दिए, ठीक है ना। थीटा बराबर एल, चाप की लंबाई 88, क्या निकालना है रेडियस, ठीक है ना, रेडियस 22, कोई दिक्कत, 18 18 ये आ गया ना 70, आर बराबर डायरेक्ट 70 का था मीटर में, तो रेडियस कितना मीटर हो गया, कोई दिक्कत तकलीफ। उन्नीस नंबर फटाफट, 12.5 मतलब 1/8, 1/8 का मतलब कॉस्ट 8 है, तो सेलिंग इसको 100 मान के नहीं, इसको x मान के दिखाता हूं, ठीक है, इसको 8x, इसको 9x मान लू, चुप रहो एक मिनट, 100 मान के सिखाया था क्लास में, आज ऐसे देखो 8x 9x, ये कॉस्ट ये सेलिंग, 10 रुपए यहां माइनस कर दिया, 8 रुपया 85 पैसा यहां माइनस कर दिया, तो 7.5% बढ़ गया, तो 12.5 7.5 20%, मतलब कॉस्ट हो गया 5, सेलिंग 6, रेशियो आ गया 6 और 5 का, नया कॉस्ट और नया सेलिंग का, ठीक है ना। 12.5% पहले लाभ था, 7.5% और कितना हो गया 20%, 7.5% बढ़ गया तो 20% हो गया ना, 20 25 100, 5 का माल 6 में बेचेगा, ठीक, नया रेशियो, गुना करो फटाफट तेजी में, चलो 6 से गुना करो, 8 6 और ये 9 5 45 और माइनस 25 8 45 कितना 4.25, माइनस करो 3x, इधर माइनस करो 15.75, भाग दो 3 5 कितना 5.2। अब हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस 8 × 5.25, नीचे 100 लिख दूं, 25 चौके 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 21 दूनी 42, 42 पर केजी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नो। यहां देखिए फटाफट 20 क्वेश्चन नंबर 20, 2 घोड़ा 3 ऊंट, 9 ऊंट 10 साइकिल, 100 साइकिल 3 कार, ये उल्टा होता है, मान लो पहले सीधा ऐसे निकालता हूं फिर बाद में उल्टा कर देंगे, ठीक, तो काटो 3 3 0 से 20 और 1 का रेशियो कट चुका है, ठीक, तो हम कार और क्या था लास्ट में हॉर्स, तो 1:2 क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया, ये ऊपर हॉर्स है, ये जो है ना ऊपर क्या था हॉर्स और लास्ट में क्या था कार, तो ये आ गया उल्टा करने पर हॉर्स और कार का रेशियो 1:2, इसको पलट देते हैं, मालूम ना, या तो बाद में पलटो या पहली पलट दो, ठीक है ना, तो हमने बाद में पलटा, ठीक। अब कार का मूल्य कितना है, तो 20 बराबर 13 रुपया, 1 बराबर 13.50 पैसा/20, बिंदी हटाओ 2 0 लाओ, काटो 5 से कितना है 40 27 27 बाई 40, ये हो गया 27 बाई 40, कोई दिक्कत तकलीफ नो। एकदम टेस्ट का मतलब फास्ट, ऐसे नहीं आज था ज्यादा फास्ट है, देखो यहां देखो फटाफट, हाँ ट्रायंगल एबीसी है, नहीं पी क्यू आर है, ए यहां है बी यहां है ना और सी यहां है, ये कितना है, तो ये दोनों का सम कितना होगा,
इन दोनों का सम 140 के डबल करो 280, इसमें से 180 माइनस कर दो, यही तो 100 डिग्री है, याद आ रहा है? इसका सम 40, इसका दो, इन दोनों का सम 140, इसके डबल से 180 माइनस कर लो, यही बचेगा, क्योंकि याद है ये एक्स तो ये क्या हो गया 2x, ये वाई तो ये क्या होगा 2y, तो दोनों का सम ये बीच में डबल हो जा रहा है, तो ये एक बच जाएगा, उसका डबल करके 180 माइनस करेंगे तो जो डबल हो रहा है वो बीच वाला कौन बच जाएगा, याद आ रहा है? आ ही रहा होगा, ठीक है। यहां देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 22, 22 कहा कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, एम और एन, एम और एन, ओहो किसका पैरेलल है, चलो कोई बात नहीं, ए बी के पर ऐसे डाल दो, ठीक। हाँ अब बताओ क्या क्या इसमें है, एम और एन ऐसे है ना, चलो इसके पैरेलल है, एम एन पैरेलल टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा है कि इसका एरिया ट्वाइस है, इसका एरिया इसका ट्वाइस, एक तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3, बड़ा वाला कितना हो गया 3, तो एरिया का रेशियो 3, तो साइड का रेशियो रूट 3:1, तो इसका मतलब ये 1 है तो बड़ा वाला, तो ये रूट 3 माइनस, हमें किसका रेशियो निकालना, सी एम इज टू एम का, बताओ सी एम कौन है, सी एम 1 है और एम कौन है रूट 3 माइनस 1, कंजुगेट से गुना कर दिया क्या, ये रूट 3 प्लस 1 बाई 2, आंसर। मेरे बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट देखिए, 23 में क्या है, कहा कि लगभग जोड़ रखो सब लोग, लगभग कितने परसेंट मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो नहीं करने वाला कौन कौन है, 1, 9, 5, 8 जोड़ो 23, 23 कितना होगा सबको जोड़कर, सबको जोड़ो 4, 7, 4, बहुत अच्छा, काटो 4.9 समथिंग आया, 4.85 आएगा, ठीक है ना, हर भाग दो यही आएगा, इसी के आसपास है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 24 कहा बी में वाई एक से अधिक है, तो देखो जरा फटा बी में कितना अधिक है, ये 73 है, ये 88 है, कितना अधिक है, 15 अधिक है, किस से, 73 से, एक मिनट डूब जाना, यदि ये 72 होता, यदि ये 72 होता, 25 चौके कितना होता, ये 18 चौक 72 ही ना, 5 तिहाई और ये 6 तिहाई 125 बाई 6, तो लगभग में कितना होता ये 21% होता है, अप्रोक्स, ये लगभग की बातें कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स को लगभग है ना, बी में एक्स को मिले कुल मतों का लगभग कितना परसेंट मत बी से प्राप्त हुआ, ओ तो एक्स का सब जगह जोड़ो कितना रहा, 225, ये कितना होगा टोटल 225 है, और बी से कितना मिला 20, 23 × 100/225, यही ना, को दिक्कत, 25 चौके 25 नमा, इसे 72 मानो, 9, 8, 72, 8 चौके लगभग 32%, ठीक है ना, तो आज का सेवा यहीं पर समाप्त होता है।